गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस, क्लियर, राइट? ओके, आज दो ही स्टूडेंट है 9th स्टैंडर्ड में से, बाकी सब कहाँ गए? चलो, ऑल राइट. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था उसे ही कंटिन्यू करेंगे. लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक किया था स्टूडेंट्स? एनी आइडिया? विनीत, वेदांत. आज तो दोनों जन हैं, आज दोनों जन टारगेट में, आप दोनों को ही पूछूंगी मैं. तो लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक किया था? एनी आइडिया? विनीत एंड वेदांत. और आपको आंसर करना है, ऐसे नहीं आप ये रहेंगे, म्यूट हो ठीक है, लेकिन आप मैसेज कर सकते हो. लास्ट क्लास? अच्छा, यू आर नॉट देयर. अच्छा, साइंस वन, वेरी गुड वेदांत, हाउ स्मार्ट. अभी तक तो हम मैथ्स भी पढ़ रहे थे ना साथ में. टेल मी द टॉपिक जो हमने किया. आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे? वीडियोस नहीं देखे आपने प्रीवियसली? नॉट सीन, वेरी गुड. चलो एनीवेज, लास्ट टाइम हमने हमारा टर्म का लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि टेलीस्कोप्स, अलग अलग टाइप्स के हमने टेलीस्कोप देखे थे. ठीक है, हमने ऑब्जर्विंग स्पेस थ्रू टेलीस्कोप देखा था, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट देखे थे जिसकी वजह से ये टेलीस्कोप काम करते हैं. ओके, टेलीस्कोप के टाइप्स देखे थे, टेलीस्कोप स्पेस में क्या मायने रखते हैं, और हमारी इसरो अभी क्या करेगी वो हम देखेंगे. इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने ये देखा था कि अलग अलग फॉर्म ऑफ लाइट किस तरह की होती है. तो हमने देखा था अलग अलग फॉर्म ऑफ लाइट कुछ इस तरह की होती है. अगर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, इज माय स्क्रीन विजिबल आपकी ओर? यस, ओके. तो अलग अलग फॉर्म ऑफ लाइट इस तरह की होती है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रेडिएशन और डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ वेवलेंथ. रेडिएशन, अगर रेडियो वेव्स रहेंगे तो उसकी वेवलेंथ विल बी 20 सेंटीमीटर्स. माइक्रोवेव्स रहेंगे तो 0.3 मिलीमीटर्स टू 20 सेंटीमीटर्स. इंफ्रारेड वेव्स रहेंगे तो 800 नैनोमीटर्स टू 0.3 मिलीमीटर्स. विजिबल लाइट रेज रहेंगे तो 400 नैनोमीटर्स टू 800 नैनोमीटर्स. और अल्ट्रावायलेट रेज रहेंगे तो 300 पिक्टोमीटर्स टू 400 नैनोमीटर्स. ओके, और उसके बाद एक्सरेज रहेंगे तो 3 पिक्टोमीटर टू 300 पिक्टोमीटर्स. और गामा रेज रहेंगे तो शॉर्टर देन 3 पिक्टोमीटर्स. तो हमने यहाँ पे कन्वर्जन चार्ट भी देखा है. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर्स एंड 1 पिक्टोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर्स. ओके, तो ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ रेडिएशन, इसके अलग अलग वेवलेंथ होते हैं. क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारी विजिबल वेवलेंथ कौन सी होती है? अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम वेदांत. ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आपने पहले नहीं बताया बच्चे, जब भी मैंने आपसे पूछा. चलो कोई बात नहीं. ठीक है, टुडे विल एंड दिस सेशन अर्ली. ये लास्ट वाला पार्ट करके विल एंड दिस सेशन अर्ली. इज इट ओके वेदांत? यस. विनीत, आप कुछ बोल नहीं रहे हो? एनीवेज, तो ये हमारी जो विजिबल रेडिएशन होती है हमारी आईज के लिए, इट इज इन बिटवीन 400 नैनोमीटर्स टू 800 नैनोमीटर्स. ये वाली जो है वो हमारी आईज के लिए एक विजिबल वेवलेंथ होती है. ठीक है, सो इसके बाद अगर आप नीचे देखोगे, हमने ये वाला पार्ट किया था, यहां तक आ गए थे. जीएमआरटी हमने टेलीस्कोप जो है
दैट इज जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये है पुणे में बेस्ड है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का टेलीस्कोप है, ठीक है। इसके बाद हमने टेलीस्कोप इन स्पेस वाला टॉपिक देखा था, तो यहाँ पे हमने स्टॉप किया था। टेलीस्कोप इन स्पेस, स्पेस में भी बहुत सारे टेलीस्कोप लोकेटेड है, सबसे पॉपुलर जो लोकेटेड टेलीस्कोप है स्पेस में इज कॉल्ड, क्या नाम है उसका, सबसे पॉपुलर टेलीस्कोप इन स्पेस, जो बाकी के टेलीस्कोप बनने से पहले ही एक ऑलरेडी था, कोई बता सकते हैं नाम उसका? हबल टेलीस्कोप, वेरी गुड, एक्सीलेंट विन है, हबल टेलीस्कोप। हबल के बाद बहुत सारे टेलीस्कोप बने। अभी क्या हुआ, विजिबल लाइट एंड रेडियो वेव्स एमिटेड बाय हेवनली बॉडीज इन द स्पेस कैन पास थ्रू द अर्थ एटमोस्फियर एंड रीच द अर्थ सर्फेस, ठीक है। हमारी अर्थ की सरफेस पे आने से पहले हमारी अर्थ की एटमोस्फेयर में अलग अलग रेज है, उनके साथ ये जो स्पेस से आने वाली रेज है वो टकराती है। सो ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप कैन बी इरेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप हम अर्थ पे बना सकते हैं, बट दीज अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप प्रेजेंट सम प्रॉब्लम इन मेकिंग गुड क्वालिटी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये जो रेज होती है ये एटमोस्फेयर हमारी फिल्टर करके हमको अर्थ पे देती है, ये कुछ रेज हम पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो अर्थ पे सारी की सारी रेज स्पेस की पहुंचती नहीं है। द विजिबल लाइट कमिंग फ्रॉम हेवनली बॉडी हैज टू पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर टू रीच द अर्थ सर्फेस। ड्यूरिंग दिस जर्नी सम ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीचिंग द अर्थ सर्फेस डिक्रीजेस, ठीक है। हमारी एटमॉस्फेयर कुछ लाइट एब्जॉर्ब करती है, कुछ लाइट को रिटर्न फेंक देती है स्पेस, सारी रेज की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। अ सेकंड प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर आती है लाइट, तो क्या वैसे टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बहुत सारे लाइट के अंदर चेंजेस आते हैं, वेव्स के अंदर चेंजेस आते हैं, ओके। अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे दू, तो अगर आप स्पेस शिप देखते हो, राइट, ये जब अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करती है तो आग लगने लगती है, राइट, अगर आपने मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज देखे होंगे तो। बाहर का प्रेशर अलग होता है स्पेस का, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर को टच किया प्रेशर टेम्परेचर सब चेंज हो जाता है, करेक्ट, ओके। वैसे ही ये सारी की सारी जो फैक्टर्स है वो रेस पे भी इक्वली इंपैक्ट करती है। दिस चेंजेस कॉजेस टर्बुलेंस इन द एटमॉस्फेयर विच इन टर्न कॉज द लाइट रेस टू चेंज देयर पाथ, ठीक है। आपने रिफ्रैक्शन वाला तो पढ़ा ही होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक सोर्स से दूसरे सोर्स से तीसरे सोर्स में अलग अलग सोर्सेस में उसका बेंडिंग हो जाता है लाइट का, डिपेंडिंग ऑन थिकनेस, डिपेंडिंग ऑन अ डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम, राइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, ओके। तो रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था हमने, अलग अलग सोर्सेस में जब लाइट पहुंचती है तो अपने सोर्स के हिसाब से वो बेंड हो जाती है। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, लाइट रेज जो है स्पेस से जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो वो एटमॉस्फेयरिक अलग अलग कंपोनेंट्स की वजह से बेंड होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट रेज की जो टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस मतलब चेंजेस, ओके, फ्लक्चुएशन, वी कैन नॉट यूज ऑप्टिकल टेलीस्कोप ड्यूरिंग द डे। अब एक और प्रॉब्लम है कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप को दिन में नहीं यूज कर सकते बिकॉज ऑफ द सनलाइट। During the night, two city lights and cloudy weather can cause difficulty in observing. City lights, cloudy weather और बहुत सारी चीजें, pollution, they can be a problem heavenly bodies को visible बनाने के लिए। To reduce this problem, optical telescopes are situated on top of the mountains. Okay? एक बात तो पे top of the mountain पे located होते हैं, ठीक है, जहां पे लोग uninhibited अनइनहिबिटेड प्लेसेस, मतलब जहां पे लोग है ही नहीं, ओके। हाउएवर इफ वी वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल द अबव प्रॉब्लम्स कंप्लीटली वी शुड प्लेस द टेलीस्कोप अबव द अर्थ एटमोसफियर। अब लाइट रेज, प्रेशर, टेम्परेचर, फिर उसके बाद अर्थ का एटमोसफियर, ये सारी चीजों से छुटकारा पाना हो और आपको रॉ डेटा चाहिए तो एकमात्र सोल्यूशन क्या है कि आप टेलीस्कोप को एटमॉस्फेयर में ही फिक्स, एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अबव स्पेस में ही फिक्स कर दो। इसकी वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे,
दिस प्रॉब्लम डू नॉट एग्जिस्ट इन द स्पेस एंड डस द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पेस टेलीस्कोप वुड बी ब्राइट एंड वेरी क्लियर. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम स्पेस में आएगी नहीं और डायरेक्टली रेज गिर के टेलीस्कोप के ऊपर ब्राइट और क्लियर डेटा हमको रिसीवर के थ्रू हमें अर्थ पे रिसीव होगा. ठीक है, साइंटिस्ट हैव टर्न दिस आइडिया, लेकिन ये आइडिया जो है रियलिटी में बदल गई. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हबल टेलीस्कोप इन 1990 द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड इनटू अ स्पेस, जिसे नासा भी कहते हैं हम, NASA, नासा लॉन्च इनटू अ स्पेस एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप कॉल्ड एज अ हबल टेलीस्कोप. इट हैज अ मिरर ऑफ डायमीटर 94 inches एंड इट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ एट द हाइट ऑफ 589 किलोमीटर फ्रॉम इट. ठीक है, ये अर्थ से 589 किलोमीटर की दूरी पे बेस्ड है, यहाँ पे 589 किलोमीटर्स. ओके, और इसका डायमीटर जो है, इसकी लेंस की डायमीटर वो है 94 inches. दिस टेलीस्कोप इज स्टिल वर्किंग एंड हैज हेल्प टू मेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज. काफी सारे जो डिस्कवरीज है हबल टेलीस्कोप से हुए. अब ये तो नासा ने लॉन्च किया था, ठीक है, पर हमारी जो इन्वेंशंस है, हम अब सभी को पता होगा किसी के टेलीस्कोप की इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए कॉपीराइट्स की परमिशन की जरूरत होती है, हर तरह की परमिशन की जरूरत होती है. हम अपने इन्वेंशन को स्ट्रॉन्ग बना दे, करेक्ट, यस और नो? तो हमारी इन्वेंशन स्ट्रॉन्ग कभी बनी, 1990 में तो हबल टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था, 1999 में द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च एन एक्सरे टेलीस्कोप नेम्ड एज चंद्र. ओके, वापस उन्होंने एक और टेलीस्कोप लॉन्च किया जिसका नाम है एक्सरे टेलीस्कोप. ये तो था ऑप्टिकल टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप है जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, बट ये है एक्सरे टेलीस्कोप जिसका नाम है चंद्र. ओके, इन स्पेस टू स्टडी एक्सरेज कमिंग फ्रॉम हेवनली ऑब्जेक्ट्स. स्पेशल मिरर्स विच कैन रिफ्लेक्ट एक्सरेज वर यूज्ड इन दिस टेलीस्कोप. अगर आप दोनों का कंस्ट्रक्शन देखोगे, इसमें सिर्फ अंदर की ओर मिरर है, ठीक है, और ये सोलर पैनल्स है यहाँ पे, इसमें बाजू में सोलर पैनल्स है और इसके अंदर अलग अलग स्पेशल मिरर्स यूज किए थे, स्पेशल अरेंजमेंट और अलग अलग टाइप के मिरर यूज किए थे. ठीक है, विच रिफ्लेक्टेड एक्सरेज वर यूज्ड इन दिस टेलीस्कोप. चंद्र हैज गिवन अस वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्स एंड गैलेक्सीज. चंद्र ने क्या किया, स्टार्स और गैलेक्सी की इंफॉर्मेशन दे दी. एंड द टेलीस्कोप इज नेम्ड आफ्टर द फेमस इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर. जो सुब्रमण्यन चंद्रशेखर वो थे जिनकी वजह से ये चंद्र टेलीस्कोप को इन्वेंट किया गया. यहां तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? किसी को कोई डाउट है यहां तक? यस, नो, नो, यस, नहीं, ओके, नील, ओके, ठीक है. अब आती है बारी नासा के बारे में. तो नासा के फंक्शंस क्या है, क्या आपको पता है इसरो क्या है? अभी इसरो के बाद, इसरो के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बाद हमें पता चला है कि हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे इसरो बोलते हैं, जो बेंगलुरु में लोकेटेड है, ठीक है, इन्होंने भी बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं जो हमारे नॉलेज के ऊपर है. दिस इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश इन 1969, ओके, विद द एम ऑफ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग एंड लॉन्चिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. ओके, टिल डेट इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. आज तक इसरो ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए. 1969 में ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ था. इसरो प्रोग्राम इज फॉरमोस्ट अमंग द सक्सेसफुल प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे इसरो के प्रोग्राम्स थे जो फेल भी हुए, लेकिन उनमें से काफी थे जो फेलियर से सीख के सक्सेसफुल भी हुए. उन्होंने फेलियर पे फोकस नहीं किया, उन्होंने फेलियर को लर्निंग पॉइंट लेके अपना सक्सेसफुल मिशन एस्टैब्लिश किया. नाउ India's progress in space science has played a big role in national and social development.
द इनसैट एंड जीसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट सपोर्ट आर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मीटियोरोलॉजिकल सर्विसेज. इनसैट एंड जीसैट, ठीक है, ये दोनों सीरीज है सैटेलाइट के, मतलब इनसैट वन, इनसैट टू, जीसैट वन टू थ्री, इनके सारी सीरीज है. तो इन्होंने क्या किया, हमारा टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रांग बनाया, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के सिग्नल स्ट्रांग बनाए. पहले दो ही चैनल्स आते थे, अभी दुनिया भर से बहुत सारे चैनल्स आते हैं. अगर आप टाटा स्काई आपके पास है तो उसमें भी इतने चैनल्स है जितने आपके टीवी में भी चैनल्स नहीं है, राइट. इसके अलावा मीटरोलॉजिकल सर्विसेस जो हमें वेदर फोरकास्टिंग बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, उसको भी स्ट्रांग बना दिया. डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रेन? यस, उसको भी स्ट्रांग बना दिया. इट इज टेलीविजन एंड इंटरनेट सर्विसेज आर अवेलेबल एवरीवेयर इन द कंट्री. इन दोनों सैटेलाइट की वजह से हमें जो टेली सर्विसेस या जितने भी इंटरनेट सर्विसेस वगैरह मिलते हैं वो इसी की वजह से मिलते हैं, इनकी सीरीज की वजह से, वन टू थ्री फोर बहुत सारी. द एड्यूसैट, नाउ एड्यूसैट इज अनदर सैटेलाइट विच इज द सीरीज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशन. एड्यूसैट सैटेलाइट पे क्या होता है, सारी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पे लॉक की जाती है. हमारी एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, प्रोग्राम्स के लिए एड्यूसैट की जरूरत होती है या इनका इस्तेमाल किया जाता है. द IRS सैटेलाइट सीरीज इज यूज फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. IRS क्या करती है, ये हमको मॉनिटर कराती है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एज वेल एज डिजास्टर. अगर स्ट्रक होने वाला है कहीं, तूफान आने वाला है कहीं, साइक्लोन आने, ओके. सो इनसैट, जीसैट, IRS एंड एड्यूसैट, दीज आर फ्यू सैटेलाइट्स जो हमारी इसरो ने इन्वेंट करी है, ठीक है. अब और एक सैटेलाइट है जिसका नाम है एस्ट्रोसैट. एस्ट्रोसैट क्या करती है, एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देती है. मून, एक्सरे, गामा रेस, स्पेस में जितने सारे रेस है, ये सारी रेस की यूनिक स्टार अगर ऑब्जर्व किया है, यूनिक प्लैनेट ऑब्जर्व किया है, ठीक है, इनके बारे में ये एस्ट्रोसैट जो है इंफॉर्मेशन देती है. इन 2015 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड एस एस्ट्रोसैट इन स्पेस. दिस सैटेलाइट हैज अल्ट्रा वायलेट एंड एक्सरे टेलीस्कोप एंड डिटेक्टर्स. मोस्ट ऑफ द पार्ट यूज इन द सैटेलाइट आर मेड इन इंडिया. ये एस्ट्रोसैट वाली जो है ये इसरो ने बनाई है और इसके मोस्टली सारे पार्ट है, कुछ बाहर से मंगवाए गए लेकिन ज्यादा करके सब इंडिया में बनाए गए. इट इज यूनिक सिस्टम हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेलीस्कोप ऑन सिंगल सैटेलाइट, ठीक है, एक सैटेलाइट के ऊपर बहुत सारे टेलीस्कोप यहाँ पे अटैच्ड है, ये इसकी एक अलग ही खासियत है. इंडियन साइंटिस्ट आर स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स यूजिंग द डेटा ऑब्टेन्ड विद दिस टेलीस्कोप. इंडियन साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स स्टडी कर रहे हैं इसके टेलीस्कोप को यूज करके. ऑलराइट, विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड एज टेलीस्कोप, ऑब्जर्विंग स्पेस विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, विनित एंड वेदांत? विद दिस हमारा पोर्शन भी खत्म होता है पूरा का पूरा, ओके. ऑल राइट, कोई डाउट रहेगा तो आप वैशाली मैम को बोल दीजिए, ठीक है. टुडे विल एंड द सेशन अर्ली सो वेदांत अपना पढ़ाई कर सके. ऑल द बेस्ट, बाय बाय विनित एंड वेदांत.